सेक्स में ऑर्गेजम ये ऐसी एक फीलिंग है कि जिसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जाता या वर्णन नहीं किया जा सकता। वो एक अनुभव है, एक चरम सीमा पे पहुंचने का अनुभव है, चरम सुख मिलने का अनुभव है, और वो दोनों को भी मिलता है, पुरुष को भी मिलता है और स्त्री को मिलता है। ये मतलब ये डिस्क्राइब नहीं, वर्णन नहीं कर सकते इसका, मगर एक ऐसा फीलिंग है कि सेक्स करने के दौरान एक ऐसा फीलिंग आता है कि भाई एक्साइटमेंट ऐसा ऊपर 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 जाएगा, एक्साइटमेंट ऐसा ऊपर जाएगा, अत्युच्च सीमा पर जाएगा, एकदम टॉप लेवल पे जाएगा, और एक वहाँ ऐसा भी एक फीलिंग आ जाएगा कि बस बहुत ही अच्छा लगा, और फिर एक्साइटमेंट धीरे 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 डाउन हो जाएगा। तो वो जो ऊपर का जो पॉइंट है, सबसे ऊपर का पॉइंट एक्साइटमेंट का, और बाद में नीचे आने का शुरू हो जाता है, तो वो जो है उसको बोलते चरम सीमा पे पहुँचना, चरम सुख जो है उसकी परिसीमा जो है उसके ऊपर पहुँच जाना ऑर्गेज्म है। और वो दोनों को होता है, पुरुष को भी होता है और स्त्री को भी होता है। पुरुष को डिस्चार्ज होने के बाद में होता है, और डिस्चार्ज नहीं हुआ तो होता ही नहीं, मजे नहीं आते। फिर लोग आते हैं हमारे पास में कि भाई हमको अनऑर्गेज्मिया है, मतलब ऑर्गेज्म ही नहीं आता और डिस्चार्ज भी नहीं होता, ये भी एक प्रॉब्लम है। स्त्री को वो कैसे पता चलेगा? तो भाई वो जोश उसको जो दिखता है, और वो जो एक्साइट होते रहती है, एक्साइट होते रहती है, एक्साइट होते रहती है, और एक लेवल के ऊपर उसको हाँ एकदम ऐसा फीलिंग कि बस अब कुछ नहीं चाहिए इसके बाद में। तो ये एक तो पुरुष को समझना पड़ेगा कि उसको वो ऑर्गेज्म आ गया है और वो शांत हो गए, उसको रिलैक्स लग रहा है, अभी उसके बाद में कुछ उसकी करने की इच्छा नहीं है। और वो समझो समझता नहीं है पुरुष को, तो उसने फिर पूछना चाहिए कि भाई आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, एंजॉय किया कि नहीं, आप रिलैक्स हुई कि नहीं। ऑर्गेज्म आना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो एक्साइटमेंट के अत्युच्च शिखर पे जाना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो गए नहीं तो फिर स्त्री को मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा और उसके पहले यदि पुरुष का ऑर्गेज्म हो गया, मतलब इजैकुलेशन हो गया, वो ठंडा हो गया, शांत हो गया, सो गया, और स्त्री वैसी रहेगी, उसको तो एक्साइटमेंट जरा सी शुरू हुई थी और यह खत्म हो गया, तो उसको लगता है ये क्या हो गया, मुझे तो और चाहिए था, और करना चाहिए था, और उसने किया नहीं, और फिर उस समय वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है, उसको मजा नहीं आता है, उसको लगता है क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर सकती लेडीज़ कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, और फिर उसको वो सेक्स में मजा नहीं आता, और फिर धीरे धीरे वो ना बोलना चालू करती है, सेक्स को नकार देती है, फिर आदमी को लगता है कि भाई नहीं क्यों बोल रही है, ये नहीं क्यों बोलती है, तो फिर वो बोलती है कि भाई आपका हो जाता है, मेरा होता ही नहीं है, मुझे मजा ही नहीं आती है, तो ऐसा किसने साफ साफ बोल दिया तो ठीक है, और नहीं बोला तो, साफ साफ नहीं बोला तो आदमी को समझना पड़ेगा, और नहीं बोला तो झगड़े, और फिर सेक्स में इंटरेस्ट नहीं। वो जो वाव का फीलिंग है, वाव कि बस बहुत मजा आ गया, अभी वो फीलिंग ऐसा उसको समझो एक्सप्लेन नहीं करना है, मतलब मुझे समझो किसने पूछा कि वर्णन करो, तो समझो आपको जो भी कुछ एक आधा ड्रिंक अच्छा लगता है, मतलब कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो, हार्ड ड्रिंक हो, पीने के बाद में एकदम रिलैक्स आप हो जाते हैं और लगता है कि बहुत मजा आ गया, या समझो मुझे ना रसमलाई बहुत अच्छी लगती है और मैंने रसमलाई खाई, 4-5-6 पीसेस खाए, वो खाते खाते बहुत अच्छा लग रहा है, एक वाव का फीलिंग आता है, और उसके बाद में लगता है कि बस अब नहीं होना, इतना ठीक है, वो जो अत्युच्च परिसीमा है, क्योंकि उसके बाद में भी खाया तो मजा चले जाएगा। समझो 5 पीस रसगुल्ले के खाए या रसमलाई के खाए तो मुझे अच्छा लगेगा, और उसके बाद में छठवा लगेगा नहीं अभी नहीं होना, बस इतना सफिशिएंट वो जो फीलिंग है। और कभी कभी ऐसा होता है कि समझो भी मुझे चाय अच्छी लगती है, तो चाय पीने के बाद में लोग सुपारी खाते हैं, पान सुपारी खाते हैं, जो भी लवंग खाते हैं, इलायची खाएंगे, मैं चाय पीने के बाद में कुछ नहीं खाता, मुझे वो चाय का जो फीलिंग है वो लगता है कि यार क्या मज़ा आ गया चाय पिया, तो वो प्योर दूध का चाय, प्योर क्रीम वाला, और अच्छा एकदम चाय जब पूरा कप पीता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि वाह मज़ा आ गया बहुत ही, और मुझे वो टेस्ट गंवाना नहीं चाहता मैं, और उसके बाद में मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, बस अभी वो टेस्ट रहने दो मुँह में। तो ये वर्णन है उसका ऑर्गेज्म का, मतलब वर्णन नहीं करना, अदरवाइज वर्णन नहीं कर सकते, वो तो एक्सपीरियंशियल है, वो एक्सपीरियंस आता है। अब स्त्री को ऑर्गेज्म देना है तो आपको क्या करना होगा कि क्लाइटोरिस जो है, क्लिट बोलते हैं उसको, जो वजाना के ऊपर यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के ऊपर क्लाइटोरिस है, तो उसको आप टिकलिंग करते हो, चिढ़ाते हो, ऐसा स्टिम्युलेट करते हो, तो उसके बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक्चुअली पेनिस का वजाना में जाना, मतलब लिंग का योनि में जाना और सेक्स करना, उससे भी ज़्यादा उसको मज़ा आता है क्लिट क्लाइटोरिस का या योनि लिंग का स्टिम्युलेशन करने से। तो वो करो, फिंगरिंग करो, जब आप ये करते हैं फिंगरिंग करते हैं तो उसको बहुत एक्साइटमेंट आ जाएगा, और बाद में फिर बहुत एक्साइटमेंट, बहुत जोश आने के बाद में फिर लिंग का योनि में प्रवेश करना है और सेक्स करना है। उसके पहले कर लिया तो हो सकता है कि पुरुष का इजैकुलेशन जल्दी हो जाएगा, पतन जल्दी हो जाएगा, और स्त्री अधूरी हो जाएगी। तो ऑर्गेज्म स्त्री को दिलाना जरूरी है क्योंकि वो पूर्ण सेक्स है। अच्छा, स्त्री को ऑर्गेज्म बार बार आ सकता है क्या? यस, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एक 5-10 मिनट के बाद में स्त्री फिर से तैयार हो सकती है, फिर से तैयार हो जाएगी कि चलो और करते हैं, तो बोलेंगे ठीक है कोई करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर तैयार हो सकती है, उसको फिर से ऑर्गेज्म आ सकता है। मगर पुरुष को आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक बार इजैकुलेशन हो गया
तो दूसरा इरेक्शन फिर से आने के लिए टाइम लगता है, और सेकंड टाइम इरेक्ट करना है तो हो सकता है कि भाई जब बहुत ही यंग है, जवानी है, 15-17-18 साल की उम्र है, तो हो सकता है कि 10-15 मिनट के बाद में फिर से तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएंगी वैसा वैसा वो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, मतलब सेकंड टाइम करने का जो पीरियड है वो पीरियड लंबा लंबा होता जाएगा। 40-45 तक तो ऐसा होता है कि मेजॉरिटी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम हफ्ते में एक बार करते हैं भाई, बाकी दिन करने की इच्छा ही नहीं होती है या जरूरत नहीं लगती है। तो उम्र जैसे बढ़ती है वैसा रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ते जाता है, इरेक्शन का टाइम बढ़ते जाता है, और जितना कम उम्र है उतना छोटा है। तो पुरुष के लिए टाइम लगता है सेकंड इरेक्शन आने को, स्त्री को सेकंड टाइम करने के लिए 5-10 मिनट के बाद में वो तैयार हो सकती है। इसलिए स्त्री को मल्टीपल ऑर्गेजम पॉसिबल है एक ही सेक्स एक्टिविटी में, और इसलिए यह संभव है कि स्त्री जो है वो वेश्या है और वो बहुत सारे गिरायक एक दिन में कर सकती है। आदमी ने ऐसा कर सकता ना कि भाई 8-10 बार कर रहा है, 8-10 बार इरेक्शन आ रहा है। तो पुरुष वेश्या जो है, और वो भी है आपको जानकारी के लिए कि कुछ ऐसे पुरुष है कि जो वेश्या का काम करते हैं, स्त्री डिमांड करती है उनको और वो आके सर्विस देते हैं, मगर वो इतना नहीं काम कर सकते हैं जितना स्त्री काम करती है, इतने इतने क्लाइंट को एंटरटेन नहीं कर सकता है पुरुष, स्त्री कर सकती है। तो ये रहा ऑर्गेजम का, और ऑर्गेजम यदि दोनों को आता है तो उसमें बहुत एंजॉयमेंट होता है सेक्स का। सेकंड टाइम यदि स्त्री डिमांड करती है, क्योंकि पहले टाइम हुआ नहीं, ऑर्गेजम ही नहीं आया, तो यदि आप दवाई लेते हो सेक्स टॉनिक्स PDE5 inhibitors जो हमरदम देते हैं, तो वो लेके आप सेकंड टाइम कर सकते हैं। आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। लोग हमें ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, और नीचे नंबर है उसके ऊपर कॉल करके आप 1-to-1 मेरे साथ में बातचीत कर सकते हैं। वीडियो आपका अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैलाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वह गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।